मैं हूं अभी दरभंगा के बरवारा की मार्केट में। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि बिहार की जो लोकल मार्केट्स हैं, टाउन की जो मार्केट्स हैं, वो कैसी होती हैं। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। सब्सक्राइबर जी ने कमेंट करके मुझे बोला था कि आप बरवारा मार्केट की एक वीडियो बनाएँ। उन्हीं के कहने पर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइबर जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट ज़रूर करें। बात करें भरवारा की इस मार्केट की, इस मार्केट से बहुत सारे लोगों का रोज़गार चलता है, छोटा या बड़ा रोज़गार बहुत सारे लोगों का चलता है। कंपेयर करेंगे अब सिटीज़ से तो यहाँ थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें एड ऑन हो जाती हैं। बहुत सारे बीच में ट्रेडर्स आ जाते हैं जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ से यहाँ तक लाने में कहीं ना कहीं वो 20-25% का जो एक रेट का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसेंटली मैंने अपना घर बनवाया है तो मुझे रॉ मटेरियल भी यहाँ थोड़ा महंगा लगा। जैसे एक ईंट की बात करोगे, एक ईंट यहाँ पे 11-11 रुपये की पड़ती है, वही ईंट NCR में हमें 6-7 रुपये में मिल जाती है। सीमेंट्स पे यहाँ पे कुछ एडिशनल आपको देना पड़ता है, फिर बदरपुर जो बालू है वो थोड़ा यहाँ महंगा मिलता है, सरिया थोड़ा सा और महंगा मिलता है। जिस भी चीज़ की आप बात करेंगे 20-25% का एक रेट का आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा, हायर साइड पर यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। खासकर अगर आप और रिमोट एरिया में जाएंगे तो और वहाँ पे और आपको थोड़ी सी प्राइसिंग अब देखने को मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव लेना चाहिए इस रीजन में। जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर यहाँ कर सकते हैं लोकली कंज्यूम करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमें इन रीजन्स में करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, सो दैट कि जो चीज़ें हम बाहर और स्टेट से लेकर आते हैं वो हमारे इसी रीजन में बने, और जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं बाहर रोज़गार करने के लिए वो यहीं पे ही अपना रोज़गार पालें। ज़रूरत है इस तरफ देखने की। बहुत सारे स्टार्टअप्स बिहार में आए भी हैं, उम्मीद यही है कि फ्यूचर में चीज़ें और अच्छी होंगी, डेवलपमेंट और अच्छा होगा, लोगों की लाइफ आसान होगी। सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार रीजन का, ये मिथिलांचल का एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर रामायण दृष्टिकोण से। रामायण की बहुत सारी कड़ियाँ, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं। भरवारा की इस मार्केट से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे गौतम ऋषि का आश्रम है, वहीं पास ही में अहिल्या उत्थान स्थल भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट है, थोड़े टाइम पहले ही एयरपोर्ट चालू हुआ है, सो ये कह सकते हैं आपकी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए होती है, रोज़गार को बढ़ाने के लिए आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। सो इस एयरपोर्ट ने हमारे इस रीजन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिया है, काफ़ी सारे रोज़गार के नए अवसर आए हैं, लोग आते हैं बाय एयर, टाइम उनका बचता है, फिर यहाँ से वो लोकल कन्वेंस से इधर उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोज़गार को पुश मिला है, छोटे छोटे रोज़गार निकल के आए हैं सामने। सो ये कनेक्टिविटी तो बहुत ज़बरदस्त है बिहार का इस टाइम पे, हर स्टेट्स को, हर सिटीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है, गांवों को सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। कनेक्टिविटी रोड्स के मामले में आप कह सकते हैं कि बिहार किसी भी राज्य से पिछड़ा नहीं है। इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं, अच्छा काम इन्होंने किया है, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये डेवलपमेंट के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे इस रीजन में उसको करें। जहाँ भी रोड गया है एक चीज़ चेंज आया है गांवों में पिछले 8-10 सालों में, जिनकी भी प्रॉपर्टीज़ रोड के साइड है उन्होंने अपनी बाउंड्रीज कर ली है, अपने जो प्रॉपर्टी को चारों तरफ से ईंट लगा के उस दुकानें लोगों ने बना ली या सिर्फ बाउंड्री रख ली, तो ये चीज़ अच्छी है। डेवलपमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, इकोनॉमी को पुश मिलता है इससे। कोई भी एक कंस्ट्रक्शन होती है, मान के चलिए 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपये वो बंदा लगाता है, वो पैसा कहने के सिस्टम में आता है, तो किसी भी जगह की, किसी भी देश की, किसी भी सिटी की, किसी भी राज्य की, किसी भी गांव की डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लस ग्रीन एरिया है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमारे बिहार के रीजन में है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, जैसे बिहार सरकार ने जंगल काटने पर रोक लगाई है, और एक काम और अच्छा किया है उन्होंने कि सड़क के दोनों साइड मिट्टीकरण करके पेड़ लगाए हैं, जो कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ये वीडियो मार्च 2023 की है, अपलोड सितंबर में हो रही है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये वीडियोस रेगुलर होंगी। वीडियोस रेगुलर अपडेट ना होने के कारण यूट्यूब चैनल की रीच भी डाउन कर देता है, जो कि मेरे साथ हुआ भी है, मेरी रीच बहुत डाउन हो चुकी है। सो ये चलता रहता है, जैसे रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, अच्छा कॉन्टेंट आएगा, तो ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे।
बहरहाल यूट्यूब के साथ साथ अपनी जीविका भी देखनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।